त्रेता युग के प्रथम कदम का साक्षी है यह बैसाख का महीना। और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग का दर्शन नींद से जागने का दर्शन है, चैतन्य जागरण का दर्शन है। तेरापंत धर्म संघ के 11वें आचार्य श्री महाश्रमण का इस बैसाख महीने के साथ विशेष संबंध रहा है। यही कारण है कि वे एक जागृत और जीवंत संत के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आचार्य महाश्रमण जी का जन्म बैसाख महीने में हुआ, उन्हें दीक्षा की स्वीकृति बैसाख में मिली, उनका दीक्षा संस्कार बैसाख में संपन्न हुआ, मुनियों के एक वर्ग के अग्रणी वे बैसाख महीने में बने। तो दायित्व के सर्वोच्च शिखर आचार्य पद पर आरूढ़ होने का ऐतिहासिक अवसर भी इस बैसाख महीने को मिला। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आचार्य श्री ने अपनी जागरूकता और दायित्व निष्ठा के आधार पर एक से एक नए शिखरों पर आरोहण किया और वहां तक पहुंच गए जहां लंबी साधना के बाद पहुंचा जाता है। आचार्य श्री महाश्रवण जी एक जैन संत की साधना के प्रति जितने जागरूक है, मानवता की सेवा के लिए भी उतने ही समर्पित है। मानवता के मंगल तथा लोक कल्याण के पवित्र लक्ष्य से उनके जीवन की अर्धशती के प्रसंग को अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया है। अमृत महोत्सव वर्ष में लोक कल्याण के नए से नए क्षितिज उद्घाटित होते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। आचार्य श्री का सपना है देश में शिक्षा की ज्योति जलती रहे, पॉजिटिव और सही सोच विकसित हो, राष्ट्रीय चरित्र को उदात्त करने के लिए जन जन में नैतिक निष्ठा का जागरण हो, समस्याओं के समाधान स्वरूप तप मूलक अनुष्ठान चलते रहे और हर व्यक्ति की शक्ति का पूरा नियोजन हो। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए पंचाचार की आधारशिला पर अमृत महोत्सव की आयोजना की गई है और यह अमृत महोत्सव पूरे वर्ष भर तक एक अभियान के रूप में चलेगा और आज उसका प्रथम दिन एक संकल्प दिवस के रूप में परिणत हो रहा है। हजारों हजारों लोगों ने अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए संकल्प स्वीकार किए हैं और संकल्प पत्र आचार्य श्री को समर्पित किए गए हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र की समस्याओं के प्रति भी आचार्य श्री जागरूक है। टूटते हुए बिखरते हुए परिवारों को जोड़कर रखने के लिए वे पारिवारिक सौमनस्य का सूत्र दे रहे हैं। देश में घटता हुआ लिंगानुपात हमारी राष्ट्रपति महोदया के लिए भी चिंतन का विषय बना हुआ है। इस दृष्टि से आचार्य श्री का बराबर मार्गदर्शन मिल रहा है और भ्रूण हत्या निरोधक कार्यक्रम व्यापक रूप में चलाया जा रहा है। बढ़ता भ्रष्टाचार बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आचार्य श्री नैतिकता और ईमानदारी का संदेश दे रहे हैं। यह नशे की संस्कृति एक अपसंस्कृति के रूप में विकसित हो रही है, तो इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प अभियान के रूप में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है और लक्ष्य बनाया गया है कि कम से कम 1 करोड़ व्यक्ति इस नशा मुक्ति के अभियान में सम्मिलित हो। ये जो कार्यक्रम है समाज सुधार के, राष्ट्र सुधार के, तो सरकारी और गैर सरकारी सभी स्तरों पर
इन कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाए तो कोई ठोस परिणाम आ सकता है। समाज में भी अमृत महोत्सव को लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जानकारी मिली है कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नए काम किए गए हैं, कुछ किए जाने हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा और अमृत महोत्सव का वार्षिक कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय चरित्र को उन्नत बनाने का एक कारगर उपक्रम सिद्ध होगा। हमारे राष्ट्रपति महोदय भी इस ओर थोड़ा ध्यान दें कि जिस प्रकार हमारा राष्ट्र ध्वज एक है, राष्ट्र गान एक है, इसी तरह राष्ट्रीय चरित्र की एक त्रिसूत्री आचार संहिता भी प्रस्तुत की जा सके तो हमारा यह भारतवर्ष अपने खोए हुए आध्यात्मिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगा। अमृत महोत्सव का यह वर्ष सबके मन में नया उल्लास, नई उमंग पैदा कर रहा है और आचार्य श्री का मानवता की या मानव जाति की सेवा करने का जो संकल्प है, तो मैं आशा करती हूँ कि मानव जाति के लिए आश्वास, विश्वास एवं विकास के आधार बनकर आचार्य श्री युगों युगों तक मानव जाति का पथ दर्शन करते रहें। अंत में यह अमीय पगी मंगल बेला रस भीनी ऋतु नयना विराम, यह अमीय पगी मंगल बेला रस भीनी ऋतु नयना विराम, निष्ठा पंथी के पंख उगे, निष्ठा पंछी के पंथ उगे, लो ज्योति पुरुष तुमको प्रणाम, हे ज्योति पुरुष तुमको।